नमस्कार दोस्तों, आप सभी से और एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि ये रहा मेरे चैनल में और एक बिल्कुल नया बाइक, नया कलर में। ये रहा 2019 का फैसिनो ग्रीन कलर विथ UBS ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब कि यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम, जो यामाहा का है। देखिए, इस ब्रेक सिस्टम में आप अगर सामने का हो या फिर पीछे का हो, आप कोई भी ब्रेक दबाओ रनिंग टाइम में, तो दोनों तरफ की ब्रेक धीरे धीरे करके लगेगा और बाइक बिना स्कीड करके रुक जाएगा। तो देखिए, एकदम नया कलर है। आप इसको मिलिट्री ब्लू भी, ग्रीन भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे सैप ग्रीन भी कह सकते हैं, या फिर इसे आप ग्रे ग्रीन भी कह सकते हैं। तो मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी सारे रंग याद रहते हैं कलर के नाम। लेकिन आप अगर चाहो तो इसे आप, मेरे ख्याल से मिलिट्री ग्रीन आप इसे कह सकते हो, तो इससे आपको याद रहेगा। तो ये रहा फैसिनो 2019 एडिशन, न्यू कलर में विथ न्यू ब्रेकिंग सिस्टम। अच्छी तरीके से देखिए, बाइक सेम है जैसा था। बाइक का इंजन पावर जो भी था, यहाँ पीछे का जो ग्रैब रेल है, यहाँ पे लिखा गया है फैसिनो, बहुत ही मजबूत है, लाइट है। मैंने सब कुछ सुनाया है इस वीडियो में, आप वीडियो को आखिर तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा सब कुछ है इस वीडियो में। साइलेंसर की आवाज़ भी है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ इस चैनल पे, मैं बहुत ही वर्क कर रहा हूँ ताकि अच्छी जगह पे मैं इस चैनल को ले जा सकूँ। तो दोस्तों देखिए, दोनों तरफ ही ट्यूबलेस टायर दिया गया है। ये रहा सामने की ओर, इसमें क्रोम दिया गया है। ये है सामने का ग्रिल, कलर बहुत ही बेहतरीन है, यूनिक कलर है। ये है इसका हेडलाइट, इसका जो बल्ब है थोड़ा सा योलो है, योलो बल्ब ही बेहतर होता है। तो ये रहा इस तरफ का स्विच और ये रहा इस तरफ का स्विच, इग्निशन स्विच। चाबी ऑन करले पर এটা বুঝে যাবে। ফুল দিনের বেলা তো ইন্ডিকেটরটাই বুঝে যাবে। দিনের বেলা জ্বলছে, আলো জ্বলছে, আলো জ্বলছে, ডিসপ্লেতে আলো জ্বলছে, লাইটটা নিয়ে নিই বলছে। ইন্ডিকেটর দিন তো পিছনটা তুলে নি, तो दोस्तों सीट ओपन करने के बाद आपको अंदर इतनी जगह मिलता है। यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे दिया गया है कुछ सामान वगैरह दिया गया है। यहाँ पे आप एक हेलमेट रख सकते हो, यहाँ पे पेट्रोल लीड है सीट उठाने के बाद, और आप अगर चाहो तो अंदर एक मोबाइल चार्जर भी सेट कर सकते हो। और बूट लैंप अंदर नहीं है, मतलब कि डिक्की के अंदर जो लाइट होता है वो नहीं है, तो आपको एक टॉर्च रखना पड़ेगा। और यहाँ से ओपन होता है सीट, यहाँ से। तो सीट को मैंने जब दबाया तो सीट लॉक हो चुका है। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको साइलेंसर की आवाज़ कैसा लगा। देखिए, एकदम से नया अपडेट है। मुझे मालूम नहीं कि मैंने वीडियो सबसे पहले डाला है कि नहीं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत एक बहुत बड़ा देश है, कहीं भी कहीं से भी वीडियो आ सकता है, मैंने पहले भी कहा है, इससे कोई बात नहीं। कौन आगे आए, कौन आखिर में आए, इतना होना चाहिए कि बाइक सब दोस्तों तक पहुंचना चाहिए ताकि वो देख पाए। तो स्कूटर जो है आपने देख लिया, अब अगर चाहो तो आप स्कूटर को ख़रीद सकते हो। थैंक यू दोस्तों।